Guys, hope so you are doing great. This is English trainer Satnam Singh, and now we are gonna read something about no and don't know like that. आज हम पढ़ेंगे कि मुझे आता है, मुझे नहीं आता. हम इस प्रकार के sentences कैसे बनाते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, उसे पढ़ना आता है, उसे पढ़ना नहीं आता, उन्हें दौड़ना आता है, उसे दौड़ना नहीं आता. ये क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है, क्या तुम्हें हवाई जहाज उड़ाना आता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम इस वीडियो में जानेंगे. सबसे पहले मेरी ये शर्त होती है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ही इस वीडियो को पूरा देखें, वरना अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है और मेरा टाइम भी कीमती है. ओके फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे नो का मतलब होता है जानना. लेकिन मैंने आपको बताया, कुछ लोग कहते हैं मुझे आता है इस प्रकार का सेंटेंस, जैसे कि मुझे हिंदी आती है तो आई नो हिंदी, सिंपल. वैसे तो इसकी हिंदी ये भी बनती है कि मैं हिंदी जानता हूं या मुझे हिंदी पता है. लेकिन हम आम बोलचाल में बोलते हैं कि क्या तुम्हें बाहर जाना आता है या क्या तुम्हें दौड़ना आता है, इस प्रकार के. तो डू यू नो टू रन. जब भी सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई नाउन चीज आती है, मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है, आप कहते हो कि मुझे इंग्लिश आती है, तो आपको इस टू का उपयोग नहीं करना है. अगर आपको वर्ब की बात करनी है, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, बोलना क्या होती है वर्ब, अगर वर्ब हो तो टू लगाना है, और अगर नाउन हो तो टू का उपयोग हम नहीं करेंगे. आई वी यू दे, सबसे पहले इनके लिए हम बात करेंगे, या फिर वो हमारे पास प्लूरल या एक से ज्यादा नाम होता तो इसके लिए हम लगाते हैं नो सिंपल सेंटेंसेस में. अगर हम बात करें ही सी इट या सिंगुलर की, या सिंगुलर की या फिर एक नाम हो तो हम यूज करते हैं नोज. अब देख लीजिए इस प्रकार के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे. मुझे हिंदी आती है तो आई के साथ क्या लगेगा, नो, आई नो. मुझे इंग्लिश आती है तो आप कहोगे आई नो इंग्लिश. अगर हमें पंजाबी आती है तो वी नो पंजाबी. अगर यहां पर हम वर्ब लगा देते हैं, जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, तो हम कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, आई नो टू स्पीक इंग्लिश. मैंने आपको पहले ही क्या बताया है, अगर वर्ब लगाएंगे, बोलना क्या होता है वर्ब, तो इसीलिए हमने यहां पर टू लगा दिया. अब ही सी किट का केस उठाते हैं, वह या उसे बाइक आती है तो ही नोज बाइक, सिंपल. लेकिन अगर यहां पर भी वर्ब होती, क्या होती वर्ब, यानी कि चलाना, उसे बाइक चलानी आती है तो ही नोज टू राइड बाइक. क्योंकि फ्रेंड्स एस या एस क्यों लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बोलता है कि जब भी सिंगुलर का केस हो, ईसी इट हो, तो हम एस या ईएस या आईईएस का उपयोग करते हैं. तो यहां पर सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब ईसी इट के लिए हमने क्या लगाया नोज. और अगर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाला केस क्या होता है कि एक्स डबल एस एस एच सी एच या ओ हो तो ईएस करता है, या फिर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर आईडीएस लगता है, अन्यथा सभी केस में एस लगता है. तो यहां पर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ एस ही लगेगा. लेकिन अगर हम इनको क्वेश्चन वालों में बनाएंगे, क्वेश्चन वालों में, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस अगर हम बनाएंगे तो हम डू या डज का उपयोग करेंगे. डू या डज, आई वी यू दे के लिए हम उपयोग करेंगे आई वी यू
दे, इनके लिए हम लगाएंगे डू, और ही शी इट, इनके लिए हम उपयोग करेंगे डज, यानी कि आई वी यू दे या प्लूरल का केस हो तो हम डू का उपयोग करेंगे, और ही शी इट या डज यानी कि सिंगुलर का केस हो, ही शी इट या अकेला नाम तो हम डज का उपयोग करेंगे। क्या तुम्हें दौड़ना आता है, तो तुम्हें, तुम्हें का मतलब क्या होता है यू, तो हम लगाएंगे डू। डू यू नो टू रन, अब यहां पर क्या थी रन, दौड़ना यानी के वर्ब है, तो इसीलिए हमने टू का उपयोग किया। और डू का मतलब होता है क्या, हमने, हम पहले ही कुछ वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर कहीं पर भी क्या आ जाए वाक्य के स्टार्टिंग में तो हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग पहले कर देते हैं। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, आई वी यू दे के केस में डू हेल्पिंग वर्ब है, और ही सी इट के केस में डज हेल्पिंग वर्ब है। क्या उसे लिखना आता है, डज ही नो टू राइट। क्या उसे कार आती है, तो डज सी नो कार। फ्रेंड्स यहां पर टू नहीं लगा क्योंकि यहां पर भी नाउन है। इस प्रकार, इस तरीके से हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन अगर आपको नेगेटिव बनाना हो यानी कि नकारात्मक, जैसे मुझे नहीं आता, उसे नहीं आता, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें पढ़ाना नहीं आता, तो यू डोंट नो, यू डोंट नो का मतलब, फ्रेंड्स यू डोंट नो का मतलब होता है तुम्हें नहीं आता या तुम नहीं जानते। तो यू डोंट नो टू टीच, तुम्हें नहीं आता पढ़ाना, ठीक है, टीच के, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो यू डोंट नो तुम्हें नहीं आता टू टीच यानी के पढ़ाना। अब टू हम क्यों लगाते हैं, टू हम लगाते हैं तब जब दो वर्ब इस्तेमाल करते हैं तब, या फिर किसी डेस्टिनेशन के लिए। अब यहाँ पर नो भी एक वर्ब है और टीच भी एक वर्ब है, इसीलिए हमने सभी सेंटेंसेस में जहां पर भी वर्ब का इस्तेमाल हुआ टू का उपयोग किया, क्योंकि नो भी एक वर्ब है और टीच भी एक वर्ब है। वह नहीं जानती, वह कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे वह पढ़ना नहीं जानती, तो शी डजंट नो। अब यहां पर क्यों डजंट क्यों लगा, क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब है, सीट के लिए हम डज का उपयोग करते हैं, और डज और नॉट डजंट बनता है, और डू और नॉट डोंट बनता है। शी डजंट नो टू रीड, वह पढ़ना नहीं जानती। अब इस प्रकार से फ्रेंड्स, अब हमने एक सेंटेंस हमने सीखा था, जैसे क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो, या क्या तुम्हें आता है। लेकिन इसी प्रकार से अगर हमें नेगेटिव वाला भी बनाना हो, क्वेश्चन वाला भी बनाना हो, क्या तुम्हें नहीं आता या क्या तुम नहीं जानते, तो हम कहेंगे डोंट यू नो। डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, तो हम लिखेंगे डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं आता या क्या तुम नहीं जानते। अब डोंट यू का शॉर्टकट फ्रेंड्स डोंचा भी होता है, डोंट यू, डोंट प्लस यू, इसका शॉर्टकट होता है डोंचा। अगर आप स्पीकिंग में बोल रहे हो तो आप डोंट यू के शॉर्टकट को डोंचा बोल सकते हो, डोंचा नो। क्या तुम्हें लिखना नहीं आता, तो डोंचा नो टू राइट। तुम्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, क्या तुम्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, यानी कि क्या वाला भी हो और क्वेश्चन वाला भी हो, यानी कि और नेगेटिव वाला भी, तो तुम्हें मोबाइल, क्या तुम्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, तो डोंट चा नो टू प्ले मोबाइल। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए आप प्ले का यूज कर सकते हैं या फिर रन का यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से। अब हमने ये तो सिंपल केस सीखा, लेकिन कुछ लोग हाउ का उपयोग भी करते हैं, आप उस तरीके से भी बना सकते हो। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। नंबर एक सेंटेंस, आई नो टू स्पीक इंग्लिश। नंबर दो सेंटेंस आपका होगा कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नंबर दो सेंटेंस आपका होगा I know how to speak English. उसे हिंदी आती है, तो he knows हिंदी। Friends, जब भी आप noun वाला sentence बना रहे हो, तो आपको how वाला बनाने की जरूरत नहीं है,
उस तरीके से नहीं बनेगा। लेकिन जब भी आप वर्ब वाला सेंटेंस बना रहे हो, अब मैं यहां पर कह दूं उसे हिंदी बोलनी आती है, तो यह सेंटेंस दो तरीके से बन जाएगा। कैसे? ही नोज टू स्पीक हिंदी, उसे हिंदी बोलनी आती है। यह हो गया। नंबर दो होगा ही नोज हाउ टू स्पीक हिंदी, यानी कि अगर हम इसकी हिंदी बनाए शुद्ध तरीके से, तो इसका मतलब होता है ही नोज, वह जानता है हाउ टू स्पीक, कैसे बोलते हैं हिंदी। दिक्कत इस प्रकार से हम बनाते हैं। ऐसे ही आप डू डज का उपयोग करके भी बना सकते हो। क्या तुम्हें किताब पढ़नी आती है, तो डू यू नो टू रीड बुक, ऐसे आप बना सकते हैं। और भी आप ऐसे बना सकते हैं, क्या तुम्हें, यानी कि किताब पढ़नी आती है, तो डू यू नो हाउ टू रीड बुक, हाउ का उपयोग करके। ऐसे ही सभी में नेगेटिव वाले में भी आप कर सकते हो। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो समझ आया है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैट सेक्शन में जरूर लिखना हैव अ गुड डे, हैव अ, अगर आपको नाइट हो रही है तो हैव अ गुड नाइट।